कि कांग्रेस ने जो झूठ बोला है, झूठ बोल करके लोगों को बरगड़ाया है कि आपके खाते में 8500 रुपए आ जाएंगे 4 तारीख के बाद। अगर तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो संविधान खतरे में हो जाएगा। भाई मैं ये कांग्रेस के नेताओं को, राहुल गांधी, भूपेंद्र हुड्डा को कहना चाहता हूँ, संविधान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खतरे में नहीं है। ये हमारा पूरा हरियाणा प्रदेश का, पूरा देश का लोग जानता है, खतरे में कांग्रेस पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी खतरे में इसलिए है, तीसरी बार भी अगर वो चुनाव मैदान में आती है तो 3 डिजिट क्रॉस नहीं करती, 2 डिजिट में ही खड़ी है। वो 2014 में भी 2 डिजिट में थी, 2019 के चुनाव में भी 2 डिजिट में थी, 2024 के चुनाव में भी 2 डिजिट में है, वो 3 डिजिट में नहीं पहुंची है। इतनी उनको वो करने की आवश्यकता नहीं। यही फ्रस्ट्रेशन राहुल गांधी के अंदर निकल करके आई है, जिस प्रकार से उन्होंने हिंदुओं को अपमानित करने का काम किया है उस लोकतंत्र के मंदिर के अंदर, ये उसकी फ्रस्ट्रेशन थी। फ्रस्ट्रेशन इसके कारण थी क्योंकि इनकी पीढ़ियों ने देश में शासन नहीं, भ्रष्टाचार का शासन किया है। भ्रष्टाचार अगर आप देखें, उनके जो जो पीढ़ियां थी, हर पीढ़ी के अंदर देश ने भ्रष्टाचार को झेला है। और यही पूरी की पूरी पोजीशन, ये जब ये यूपीए की सरकार, कांग्रेस की सरकार थी, उसके अंदर भी बड़े बड़े घोटाले हुए और इनके मंत्री सरेआम बोलते थे कि वह इस घोटाले के ऊपर तो मैं विश्वास नहीं करता, इतना बड़ा तो घोटाला नहीं हो सकता, घोटाला तो बड़ा हो सकता, इस प्रकार की उनकी भाषा।